यार आज बात करते हैं दीप राजस्थान की। हाँ जी, राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस। हालांकि बहुत सारी काउंसलिंग अभी अलॉटमेंट आ चुके हैं, आपका TFWS का अलॉटमेंट आ चुका है। हाँ, आउट ऑफ राजस्थान वाले का आना बाकी है अभी, कश्मीरी माइग्रेंट्स और राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो अभी बहुत दिन बाकी पड़े हैं। काफी सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है, जिनके काफी ज्यादा रैंक है, क्योंकि अदर स्टेट की काउंसलिंग लगातार क्लोज होती जा रही है। हाँ, एक ही ऑप्शन उनके पास बचता है, भैया मेरा अगर यहाँ पे नहीं हुआ तो मेरे को बाद में ऑप्शन बचेगा। हाँ, अगस्त के अंदर, लास्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर राजस्थान का अलॉटमेंट आने वाला है। जिन बच्चों के 5000 रैंक है, 6000 रैंक है, 7000 रैंक है, वो क्या करेंगे। हाँ, मैनेजमेंट कोटा की अगर बात करें राजस्थान की, तो वो स्टार्ट होने वाला है ऑलमोस्ट 9वें महीने के अंदर। हाँ, उस महीने के अंदर बच्चों की अब डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने वाले। अब जिन बच्चों के 6000 रैंक है, 7000 रैंक है, वो क्या करें, उनके पास क्या ऑप्शन है। यार जिन बच्चों के ऑलमोस्ट अंडर रैंक 1000 है, हाँ? देखो यार, मैं उन कॉलेजों की बिल्कुल बात नहीं करता जो कि करौली, बांसवाड़ा, धौलपुर, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, सीकर, नागौर और जो छोटे डिस्ट्रिक्ट है, जो सिटीज है जहाँ पे इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, जॉब प्लेसमेंट कुछ नहीं है, बस नाम के कॉलेजेज है, उन कॉलेजों से हमारा कोई नाता नहीं है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम उनके बारे में ना अच्छा बोलते हैं ना बुरा बोलते हैं, जो भी है कॉलेज है अच्छे हैं, बच्चों को पढ़ाए, नौकरी लगाए, लेकिन हम बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है और ना ही हम बच्चों को उनके लिए प्रेरित करते हैं। भैया हमारा मेन मोटिव क्या है, बच्चे जाएं, पढ़ाई करें, नौकरी करें, प्लेसमेंट लगे। आखिरकार पेरेंट्स बच्चों को इंजीनियरिंग के लिए क्यों भेजते हैं, क्योंकि वो 4 साल पढ़े, अच्छा जॉब लगे भैया, नौकरी लगे, अच्छी जिंदगी हो, अपने घर वालों को संभाले आप। लेकिन यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, कॉलेजेस काफी सारे वैसे हैं, आपकी अगर 1 लाख भी रैंक होती तो भी आपको कॉलेजेस मिल जाता। अगर आपने अभी 12th पास किया है, आपके अगर 50% आए हैं, तो आपको एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। हाँ, जयपुर के अंदर मिल जाएगा तुमको, सिक्कर में मिल जाएगा तुमको, नागौर में तुमको मिल जाएगा, हनुमानगढ़, करौली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है हर डिस्ट्रिक्ट में तुमको भरतपुर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज तुमको मिल जाएगा, प्राइवेट कॉलेज तुमको मिल जाएगा, भैया कम फीस में मिल जाएगा, 15,000 रुपए में करा देगा तुमको बीटेक, 20,000 में बीटेक कर ले तू, स्कॉलरशिप ले ले 100% 1 साल के लिए फ्री तेरे लिए। ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, लेकिन उनमें जाने का मतलब क्या, 4 साल अपना टाइम वेस्ट करोगे, 4 साल बाद कोई नौकरी नहीं है, कोई स्किल नहीं है, तो क्या मतलब निकलेगा। इसलिए हम कुछ ही कॉलेज की बात करते हैं जिनका प्लेसमेंट अच्छा होता है, इंफ्रा, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इंटर्नशिप जहाँ से मिल सके, प्लेसमेंट जहाँ से मिल सके और यार अच्छा जॉब नौकरी मिल सके। इसी कारण हम बोलते हैं 10 कॉलेज है और कुछ ऑलमोस्ट 1000 के लगभग सीटें हैं। तो यार जो ऑलमोस्ट जिनके रैंक 1000 के अंडर है, उनको क्या होगा, उनको अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, जैसे कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, सिटी उदयपुर हो गया, RTU कोटा हो गया, अजमेर के अंदर एक कॉलेज है, जयपुर में कुछ प्राइवेट कॉलेजेज है, कुछ प्राइवेट कॉलेज अलग अलग सिटीज के अंदर भी है, जैसे कि अलवर में हो गया, अजमेर में हो गया, जोधपुर में हो गया, जयपुर के अंदर हो गया। ये जो रैंकिंग है वो ऑलमोस्ट 1000 रैंक पे क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में कॉलेजेज स्टार्ट करते हैं अपना स्पॉट एडमिशन प्रोसेस, जिसके अंदर मेजोरिटी जो सीटें फिल होती है वो RTU कोटा में होती है। RTU कोटा में तादाद के अंदर बच्चे जाते हैं, वहाँ पे अगर सीटें रहती है तो स्पॉट राउंड वैकेंसी आती है। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज काफी कम होती है। अजमेर इंजीनियरिंग कॉलेज, वहाँ पे भी काफी ज्यादा वैकेंसी रहती है। उसके बाद में प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर काफी ज्यादा वैकेंसी रहती है। ये कुछ ही कॉलेज है पढ़ने लायक जहाँ पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। उसके बाद यार आप लोगों के पास बेस्ट ऑप्शन है, पंजाब के कुछ कॉलेजेस के नाम बताना चाहूंगा। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, दैट्स नेम इज IK गुजराल पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। वैसे यार राजस्थान का पड़ोसी है, कोई ज्यादा दूर नहीं है, काफी अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज है, उसका मेन कैंपस बहुत अच्छा है। काफी लो रैंक पे CSE ब्रांच मिल जाता है, आपके अगर 80% है आपको बहुत अच्छा स्कॉलरशिप देगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ऑलमोस्ट आपकी बीटेक पूरी 4 साल की कंप्लीट हो जाती है 4-5 LPA के अंदर। बढ़िया लस ग्रीन हॉस्टल मिलेगा, बहुत अच्छा एनवायरमेंट मिलेगा, 19th century के अंदर ओपन हुआ, पंजाब का बहुत पुराना कॉलेज है, मेन कैंपस, उसके बहुत सारे अच्छे अच्छे कैंपसेस भी है, एफिलेटेड
पर्पसेस भी है यार, मैं राजस्थान से ही हूँ, ठीक है, पंजाब का कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूँ, ओके, और ना ही मेरे को वहां से कोई डोनेशन मिलता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट कॉलेज है, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ अच्छे ऑप्शन है उधर वहाँ के, क्योंकि लोटो पंजाबी स्टूडेंट्स क्या करते हैं आफ्टर द 12th क्लास आईलेट्स पीटी एग्जाम देके कनाडा की तरफ निकल जाते हैं। तो यार आप लोगों के पास काफी अच्छे ऑप्शन बच जाते हैं कि आप अच्छे कॉलेजों में जाके पढ़ाई करो। एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, दैट्स नेम इज ज्ञानी जेल सिंह, पंजाब के बठिंडा शहर के अंदर पड़ता है। ज्ञानी जेल सिंह वैसे हमारे देश के जो है प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो उनके नाम पे ही कॉलेज खोला गया था, ठीक है। उसके बाद में गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज है अमृतसर के अंदर, लुधियाना के अंदर, और उसके भी काफी सारे कैंपसेस है। गवर्नमेंट कॉलेज और भी काफी सारे हैं। वैसे आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है, देखो यार बहुत सारे हजारों पेरेंट्स परेशान है, ठीक है, बिकॉज मेरे पास लो टॉप कॉल्स आते हैं हर डे, बहुत सारे पेरेंट्स कॉल करते हैं, भैया जी हमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, ये बच्चा आप क्या करेगा, इसके इतनी रैंक है, इसके 3 लाख रैंक है, 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, इसको कहीं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए, इसको मशीन लर्निंग चाहिए। डोंट वरी यार, आप लोगों के लिए हमने एक बहुत अच्छा प्लान निकाला है जिसका प्राइस सिर्फ एक पिज्जा के प्राइस से भी कम है। आज अगर आप रेस्टोरेंट पे पिज्जा लेने जाओगे आपको वो 700 रुपए 800 रुपए लेके मांगेगा, लेकिन हम आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कंफर्म एडमिशन दे रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए के अंदर। आप लोग जो है कॉलेज जानकार की वेबसाइट पे जा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको कोड यूज करना है रीप REAPHAPPY रीप हैप्पी, और आप लोगों को जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 499 रुपए हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ पहले 1000 लोगों के लिए है। आपका पूरा रीप का आपको कोई सवाल है, आपका कोई डाउट है, भैया मेरे 1300 रैंक है, मैं ओबीसी कैटेगरी से हूँ, हाँ मेरा ओबीसी में रैंक तो 800 आ रहा है अब, लेकिन मेरा जनरल रैंक 6000 आ रहा है, मेरा जो रैंक है वो जनरल रैंक तो जो है वो 5000 आ रहा है, लेकिन मेरा एससी रैंक 600 आ रहा है, भैया मेरे को एमबीए मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मेरा आरटीयू मिलेगा, मेरे को अजमेर मिलेगा, मैं प्रोडक्शन ले लूं, मैं केमिकल ले लूं, मैं मैकेनिकल ले लूं, हाँ कौन सा लूं भैया मैं, हाँ गवर्नमेंट कॉलेजों में ये लोअर ब्रांचेस ले लूं, क्या मेरा फ्यूचर में क्या ऑप्शंस रहेगा, बेटर ऑप्शंस क्या है, या फिर मैं अगर बाहर जाना चाहता हूँ, हाँ पंजाब के अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजों की लिस्टें कौन सी, अगर वो लिस्टें मिल जाए तो फिर हम कुछ कर ले, हरियाणा के कुछ अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्टें मिल जाए जो कि कम रैंक पे हमको मिल जाएंगे, हाँ वैसे मेजोरिटी कॉलेजेस तो महाराष्ट्र के अंदर ही है, उनकी थोड़ी लिस्टें मिल जाए तो मजा आ जाएगा। डोंट वरी, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम आपके लिए लेकर आए, आप आज ही जरूर से जाके एनरोल कर सकते हैं, वैसे पहले 1000 लोगों के लिए है सिर्फ, उसके बाद भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप जल्दी से जाके एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे लोटो पे स्टूडेंट्स हैं यार, हम आपको जो है पूरा कंप्लीट गाइड करते हैं, 1-to-1 सॉल्यूशन चाहिए आपके पेरेंट्स हो, स्पेशली हमारे पास राजस्थान से बहुत सारे कॉल्स आते हैं, स्पेशली हम जो है आपके ग्रैंडफादर तक को समझा देते हैं, आपकी दादी भी समझ सकती है, हम इतना अच्छे वे के अंदर समझा देते हैं, भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसमें क्या पढ़ाया जाता है, कहीं ऐसा ना हो तुमको कुछ समझ ही ना आए, हाँ तुम्हारे 50% आए ला रहे हैं, 60% आए ला रहे हैं, अब कंप्यूटर लैंग्वेज तुम समझ पाओगी कि नहीं, इतना हार्ड सब्जेक्ट होता है, इसलिए हम पहले आपको थोड़ा गाइड करते हैं, भैया तुमको पढ़ाया क्या जाएगा, कितना हार्ड है, कितना सिंपल है, ये सिविल इंजीनियर मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद क्या करते हैं हम आपको आपके रैंक वाइज हम आपको गवर्नमेंट कॉलेज दे देते हैं, देखिए पंजाब के अंदर ये गवर्नमेंट कॉलेज है, हाँ इसके अंदर 13 हो सकता है, फिर हरियाणा के अंदर ये, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज है, दिल्ली जाना चाहता है तो ये है, उत्तराखंड के ये है, इस स्टेट के ये है, अच्छा अच्छा, फिर आप क्या करते हो आपको जो लिस्टें मिलती है आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन होते हैं 10-15 कॉलेज, आप जो है यूट्यूब पर सर्च मारो, अच्छा मेरे लिए बेस्ट कौन सा है, आपको जो भी अच्छा कॉलेज लगे आप डायरेक्टली जाके अप्लाई कर दो, क्योंकि आपको कॉलेज मिल ही सकता है, या फिर हमारे एक्सपर्ट टीम आपके लिए अप्लाई कर देती है कॉलेजों के अंदर, अच्छा तेरा इस कॉलेज में हो जाएगा, ये तेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है, और आपका कंप्लीट सॉल्यूशन खत्म, पूरा डिसविस गेम चेंज, और आपके एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाता है भैया, हाँ आपके लिए कोई गवर्नमेंट कॉलेज का ऑप्शन नहीं है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज, स्कॉलरशिप, आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको लोन लेना होता है, अब हम जो कौन सी बैंक की लोन स्कीम में जाए भैया, हाँ हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कौन सी लोन की स्कीम चलती है, इंटरेस्ट कितना लगता है, कितने साल बाद वापस देना पड़ता है, हजारों पेरेंट्स को हजारों बच्चों को कुछ नहीं पता, जब आप लोग बैंक जाते हो बैंक वाला क्या चाहता है, इसको ज्यादा से ज्यादा मैं कैसे काटूं, हाँ मेरा ज्यादा से ज्यादा कैसा फायदा हो, पेरेंट्स क्या चाहते हैं भैया कम लोन इंटरेस्ट देना पड़े, इजी EMI हो जाए, डोंट वरी, इसके लिए भी हमारे पास ना SBI के जिन्होंने हजारों बच्चों का लोन अप्रूवल कराया वो हम आपके लिए लेकर आए हैं, ICICI बैंक, एक्सिस
जिस बैंक के ऑफिसर है वो तुमको गाइड करते भैया बिना किसी चार्ज के कम्प्लीटली एकदम फैमिली एनवायरमेंट में। अंजीत शर्मा जी इतना पैसा आपको बैंक दे सकता है, इसका इतने साल बाद इतना इंटरेस्ट बन जाएगा, इतने इतने की बच्चा जॉब लगे तो ऐसे ऐसे पैसा चुका सकता है। ये पूरा कम्प्लीट सोल्यूशन आपको लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसे दुनिया का सबसे अफोर्डेबल प्रोग्राम है, आज तक किसी ने नहीं किया, डोंट वरी हम कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, आप जाके एनरोल कर सकते हो। वैसे राजस्थान के लिए एक नई जन्नत है, पहले सिर्फ 1000 बच्चों के लिए ही है, आप लोग ये ध्यान रखें। खैर आगे बढ़ते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजों की प्राइवेट कॉलेजों की बात करते हैं। यार एटलीस्ट आपके मेजोरिटी बच्चे जिनको बहुत ज्यादा एडमिशन की रिक्वायरमेंट है या फिर जो वीडियोस देखते हैं उनके मेजोरिटी के रैंक ऑलमोस्ट 2000 से ऊपर होगी, किसी के 2000 रैंक, 3000 रैंक, एंड काफी सारे बच्चे क्या होते हैं जिनका कैटेगरी रैंक होता है। हाँ, ओबीसी के अंदर कैटेगरी 800, 900, 1000, 2000, बहुत सारे के एससी एसटी में 300-400 रैंक होती है। हाँ, अब आपको ऐसा लगता तो है कि यार मेरी एससी कैटेगरी रैंक 300 है, मेरी 200 है, हाँ, मेरी 500 है, अच्छा मैं 14000 में से 500वें नंबर पे आता हूँ। लेकिन आपकी जनरल रैंक होती है 8000, 9000, 10000, इसको देखो कैसे फाइंड आउट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई कॉलेज है, जैसे MBM इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं, अब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं जिनकी एससी रैंक होगी 100 रैंक है, 200 रैंक, 150 रैंक। अब उसमें क्या होता है, एससी कैटेगरी एसटी कैटेगरी में क्या होता है, कुछ रिजर्वेशन लिखा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, 5% रिजर्वेशन, 10% रिजर्वेशन। अब जैसे ही वो 5% रिजर्वेशन बढ़ जाता है, जैसे अगर 60 सीटें हैं, ठीक है, तो आप 60 सीटों का 5% निकालो पहले, जैसे ही वो 5 सीटें भरी आपकी जो रैंक है एससी एसटी वाली वो बिल्कुल गायब हो जाती है, उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको जो सीट मिलेगी वो जनरल के बेसिस पे मिलेगी, यानी कि आप जो 8000 रैंक है, आप जो 6000 रैंक है, उसी के बेसिस पे मिलेगी। हाँ, इसलिए आप ज्यादा खुश ना हो कि मेरा इतना रैंक है भैया, हाँ मेरा 60 रैंक है, मेरा 70 रैंक है, क्योंकि वो लिमिट के अंदर है। हाँ, आपके 100 से पहले भी 99% बच्चे बैठे हैं भाई एससी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में। अगर आपके एससी एसटी में भी हो तो आपकी अगर कम रैंक आ रही भैया, हाँ 20 तक रैंक है, 40 तक रैंक है, तो उस कंडीशन में रहता है। वरना जिनके 100 रैंक है, 150 रैंक है, भैया मेरा तो 100-150 रैंक है, एसटी कैटेगरी से हूँ, एमबीए मिल जाएगा, सीएससी मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छा रैंक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन भी होता है, 5% ही सीटें हैं। हाँ, कंप्यूटर साइंस में 5 है, सिविल में 5 है, 5% है। हाँ, ओबीसी कैटेगरी में हूँ, आपके लिए भी लिमिटेशंस है, 28% है कहीं पे 18% है। हाँ, जनरल कैटेगरी में अगर आपके अच्छा रैंक आ रहा है, 500 रैंक आ रहा है, 1000 रैंक आ रहा है, देन आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट है और आप लोग उसमें जरूर से जाके एनरोल कर सकते हो। एंड मोमेंट में किसी ना किसी अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हम करा देते हैं। और एक लास्ट बेनिफिट आपको और बता देता हूँ, पिछले कई सालों से हम काउंसलिंग करा रहे हैं यार, ठीक है, बहुत साल बीत गए मेरे को, ठीक है, जब से मैं बचपन से छोटा था तब से जोशा की काउंसलिंग किए जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कॉलेज जानकारी का एक प्लेसमेंट प्रोग्राम भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे मेजोरिटी बच्चे लोकल कॉलेजों में जाते हैं, जैसे कि आपके जितने भी कॉलेज है राजस्थान के तो सारे लोकल ही है, ठीक है, चाहे वो अजमेर हो, RTU हो, MBM हो, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, आपको यार यहाँ पे कोई VR लैब नहीं है, यहाँ पे कोई R&D नहीं है, इनोवेशन नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको प्रोफेसर सिंपली क्या करता है, बोर्ड पे आता है, पढ़ाता है और वापिस चला जाता है, नंबर कमाए फेल कर दूंगा, हैं क्लास में नहीं आया फेल कर दूंगा, आपको बस इतना सिखाया जाता है। और लोटो बच्चों के पास जॉब नहीं होती है, तो हम क्या करते हैं, हम उनको जो है R&D इनोवेशन के अंदर एनिमेशन, ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ट्रेडमार्क, फाइनेंस, मार्केटिंग, जो भी यार इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायरमेंट है, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो उससे रिलेटेड आपको सिखाएंगे भैया। आप वीवो कर रहे हो, आप बीटेक कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, Node.js, React.js, Python, Java, उसके अंदर हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं। अब वो खैर बाद की बात है, एडमिशन के बाद हमसे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपको ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर हम इंटर्नशिप दिला देते हैं और 2-3 साल तक आप एक्सपीरियंस हो जाते हो, कॉलेज से निकलते हो, आपके पास एक नौकरी रहती है। खैर फिर बोल रहा हूँ, कोई नहीं आपके टक्कर में, पढ़े हो किस चक्कर में, आज जरूर से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और जो है मैंने जो आपको कोड बताया वो जरूर से यूज कर लेना, आपको हेवी डिस्काउंट मिलेगा, पहले 1000 लोगों के लिए ही है हमारे। आप नंबर पे कॉल कर रहे हो, अगर वेटिंग में लग रहा है कॉल तो थोड़ा वेट कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉल्स आते हैं बच्चों के, हमारे लिए भी अरेंज कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहता है।